स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम। और यहाँ पे क्लिक करके हम पहले इसकी रिकॉर्डिंग का देख लेते हैं, ऐसा नहीं हो के बाद में ये साइलेंट मोड पर आ जाए, ठीक है ना। चलें, अब देखिए इस तरह का काम करने के लिए जिसमें ज़्यादा बिल्डिंग्स आ जाए ना, बहुत ज़्यादा आ जाए, और उसमें नक्श निगार बने हुए, डिज़ाइन वगैरह बने हुए, तो उसके लिए जो कल तरीका बताया था ना वो नहीं इस्तेमाल करेंगे हम, उसके लिए दूसरा तरीका है। उसके लिए तरीका ये है कि यहाँ से पर्सपेक्टिव लें, आर्ट बोर्ड लेंगे और एक आर्ट बोर्ड ऐड करा लेंगे यहाँ पे, और फिर उस आर्ट बोर्ड पे थोड़ा सा काम करेंगे हम, उसको थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से हम उसके ऊपर वो बिल्डिंग को बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब हम उसको 2D में बनाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से उसके ऊपर कलर वगैरह लगाएंगे, इसके आउटलाइन को यहाँ से ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक मसला आएगा आपको कि यार ये जो मामला है कि ये खिड़कियाँ विड़कियाँ, तो इसके लिए घबराना नहीं है, तो घबरा भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, जो घबराएगा अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, ये खिड़कियाँ विड़कियाँ अपनी बना लेंगे। जो भी डिज़ाइन वगैरह डालना है इसके ऊपर, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि खिड़की बनानी है, दरवाज़ा बनाना है, जो भी उसके अंदर आपके मीनागिरी करनी है वो आपने इस तरह से इस पर पहले कर लेना है। फिर इसका यहाँ पे जाके आप पाथ में जाके ऑफसेट ले लेंगे -2 पिक्सल का, यानी कि इससे 2 पिक्सल छोटा एक और सिस्टम ले लेंगे, और इस पर क्लिक करके यहाँ से इस पर पीछे वाले पे क्लिक करके एक ब्लैक कलर दे देंगे, तो इसके बॉर्डर थोड़े ब्लैक हो जाएंगे और ये आगे से थोड़ा इस तरह का हो जाएगा। इस पर एक कलर लगा देंगे इस तरह का, ग्लास इफेक्ट लगा लेंगे इसके ऊपर, ग्लास इफेक्ट खुद ही बना लेते हैं। तो यहाँ क्लिक करते हैं इसके ऊपर और यहाँ से लेके ग्लास इफेक्ट इस तरह का डाल देते हैं, हल्का फुल्का सा इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, और थोड़ा सा यहाँ से इसको आगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्लास इफेक्ट इसके ऊपर हमने डाल दिया, सेलेक्ट कर दिया इसको, राइट बटन दबा के ग्रुप कर दिया। इस तरह से एक और शेप आपने ले लिया यहाँ से, इसको अनग्रुप कर दिया पहले, और इसके आगे वाले शेप को डिलीट कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया, फिर इस पर क्लिक किया, और फिर शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से करके फोल्ड कर दिया, क्लिक करके इसको थोड़ा सा खिड़की को लंबा कर दें, ठीक है। क्लिक करें यहाँ से कंट्रोल सी, बल्कि नहीं, ऑब्जेक्ट पे जाके फिर इसका ऑफसेट ले लें, ऑफसेट पाथ कर दें -2 पिक्सल का ले लें, उस पर क्लिक करके इस पर कोई इस तरह का कलर लगा दें फीका सा, या इसके साथ भी ग्लास इफेक्ट डालना है तो इसको फिर हम यही वाला इफेक्ट लगा के, और फिर ये वाला इधर बिठा देते हैं कलर को, उसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और ये ऐसे करके एक ग्लास इफेक्ट हम इसका बना देते हैं। इसको क्लिक करके ये लो भाई ग्लास इफेक्ट। तो इसका ग्लास इफेक्ट थोड़ा सा इतना मज़ा नहीं कर रहा, ये यहाँ से क्लिक करके हम ये डालते हैं इसके ऊपर, और ये देखें इस तरह का इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। फिर इसको हम करने की कोशिश करेंगे, इसको यहाँ से ले लेते हैं, इसे कर देते हैं, ये लीजिए इसका इफेक्ट कुछ इस तरह का डाल देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्लिक करके सेलेक्ट कर देते हैं और उसको भी ग्रुप कर देते हैं। तो ये लो भाई दो विंडोज ऑपरेशंस आपने इसके ऊपर कर दिए। इसके बाद आपने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसका ये शेप एक और क्रिएट कर दिया नीचे, और इसको क्रिएट करने के बाद इस पर ब्राउन लगा दिया इसके ऊपर, ब्राउन शेड, और उस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इसको ड्रैग करके थोड़ा सा और नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, और इस पूरे को सिलेक्ट करके आपने इसका एक ग्रुप कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये दोनों लेके इसको यहाँ पे ले जाना है, सेलेक्ट करना है, अल्टर के साथ यहाँ पे सेट करना है। जैसे ही अल्टर के साथ इधर सेलेक्ट करेंगे, अल्टर के साथ इसकी कॉपी को स्ट्रेच करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसको आगे कंट्रोल डी 3 4 और 5, 5 लगानी है हमें खिड़कियाँ, बिल्डिंग छोटी है। मिस्त्री के ऊपर फिर दिहाड़ी कम हो जाएगी ना उसकी, स्क्वायर फीट में पैसे मिल रहे ना, पैसे बढ़ गए तो सका क्यों एडजस्ट करे, 4 में 5 हो रहा तो इस तरह से थोड़ा सा 5 कर दिया हमारे अख्तियार में है। देखो मैं तो कहता हूँ ऐसे ही होना चाहिए, जो मेटावर्स आ रहा है ना आगे, मेटावर्स बेहतरीन है, उसमें ऐसे ही करके घर बना लेंगे, अपना एक गैजेट बना के अंदर छोड़ देंगे और घूमता रहेगा जीटी वाई सिटी की तरह, यहीं बैठ के एंजॉय करते रहेंगे। अभी ऐसा कर अमेरिका चला जा, चला जाएगा वो प्रॉपर्टी खरीद ले, तो ये काम आसान हो जाएगा। मैंने तो सोच रखा है जैसे ही वो मेटावर्स लॉन्च होगा ना, मैं अपना एक इमोजी बना के अंदर छोड़ दूंगा और सारी जगहें घूम लूंगा जो मैं वैसे नहीं घूम सकता नहीं जब तक वो आएगा मेरी उम्र 45 साल हो जाएगी, फिर वैसे भी मेरे से कुछ होगा तो वैसे नहीं, उसी को करवाता रहूंगा आगे, घूमता रहे फिरता रहे या चेक करता रहे, गुना तो मिलेगा नहीं मुझे क्योंकि वो तो इमोजी है, ठीक है ना। अच्छा उसमें ये भी है, फिर आप मर जाएंगे तो वो इमोजी घूमता रहेगा अंदर उसकी मेमोरीज होंगी, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे लोग काफी मिलेंगे फिर हमें बाद में ना,
तो ये यहाँ पर आ गया। तो अल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके नीचे एक विंडो लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे से एक विंडो को शुरू करेंगे, अल्टर के साथ दूसरा यहाँ पे एक विंडो यहाँ लगा लेते हैं इसके नीचे स्पेसिंग के साथ, 3 4 5। ठीक है, तो 5 विंडो लग गई, बिल्डिंग छोटी पड़ रही, कोई मसला नहीं है, बिल्डिंग का हमारे हाथ में, इसको और बड़ा कर देंगे। ये लीजिए, और बड़ी कर दी हमने बिल्डिंग किसमें, 1 2 3 4 5 6 मंजिला इमारत है बल्दिया की बिल्डिंग है ना कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे इसके ऊपर, दूसरी बिल्डिंग के ऊपर एक और चीज ले ली हमने, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको ऊपर लेके जाएंगे 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 जाएंगे, छत बन रही है बिल्डिंग की, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, भाई जाओ जाओ ऊपर जाओ, ये ले जाके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, आ गया भाई कॉन्ट्रेक्टर आ गया। नहीं यार, ठीक है, तो ये इसकी छत बना दी हमने। उसके बाद हमने यहाँ से क्लिक किया शिफ्ट के साथ, पांचों को सेलेक्ट कर लेना है, ग्रुप कर लेंगे इसको, अल्टर के साथ क्लिक करेंगे यहाँ पे, अल्टर डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ये देखिए 6 मंजिला ना, काफी सारे लोग रहते हैं ना इसमें। ठीक है, ये इस तरह से मामला बनेंगे क्या? अरे भाई इसके अंदर आदमी रहेंगे, इसके अंदर रहेंगे आदमी, समझ नहीं रहे हो तुम बात को। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे, दरवाजे बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऑल्टर के साथ इसको यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा स्क्वेज कर देंगे। स्क्वेज करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या है, ये क्या बन रहा है, ये आ गया जो शाह इब्राहिम, इब्राहिम कुछ भी नहीं करता, तुम्हारी तुम्हारी मेरे ख्याल है स्कूल का बच्चा है, कुछ भी नहीं करेगा, पहचानता है। ठीक है, तो ये क्या, तो अब अंदर भी तो जाएगा ना आदमी, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको ब्लैक कलर लगाएंगे, ब्लैक लगाने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस करेंगे और यहाँ से क्लिक करके इसको डार्क कर देंगे, दरवाजे कुछ अल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा कम करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर इसको यहाँ थोड़ा जूम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हो गया, अब इसको 50% कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे पेस्ट इन प्लेस, अल्टर के साथ पकड़ के इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे ताकि ये बॉर्डर्स के अंदर रहे, और ये वाली साइड थोड़ी सी कम कर देंगे इस तरह से ये पता चले कि दरवाजा है, मेन गेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक अदद जो है आप इसका हैंडल बनाएंगे, कैसे हैंडल बनाऊँ, लोकल बनाऊँ, इंटरनेशनल बनाऊँ, ब्रांडेड कैसा होता है, तो फरमाइश भी तो कोई देख के बताओ ना, होता कैसा है नया, कैसा मतलब होता कैसा है वो, नहीं ये वाला बना दूं, एंडे लिख देगी ऐसे करके, देखना पहले मैं बना के दिखाता हूँ, उसको कंट्रोल सी कर देते हैं। तो बड़ तो करो, ये ब्रांडेड बना रहा हूँ ना मैं, है ये वाला सही है, ब्रांडेड वाला बना दिया पुराने लकड़ी के दरवाजों बिल्डिंग देख, बिल्डिंग देख और जो घोड़े के अस्तमल के दरवाजे दरवाजे का हैंडल ऐसा बनाया, बोला ये घोड़े का इस्तेमाल है क्या, यहाँ से खींच के
निकालेंगे इसमें से। तो ये तो था भाई ब्रांडेड, अभी बुला दे लोकल वाला। लोकल वाले ऐसे होते हैं, ऐसे करेंगे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे। नहीं अब इसको थोड़ी करेंगे, बस ये लोकल वाले ऐसे ही होते हैं। ठीक है ये सही लग रहे हैं। ये बेटा वर्स बनाना पड़ेगा, पहले आपको अंदर जाना पड़ेगा इमोजी बन के, वो खोलेगा, आप थोड़ी खोलेंगे इसको। अभी 3D लगेगा ये, अभी एक से एकदम थोड़ी 3D लग जाएगा, अब तो फ्लैट बन रहा है, 2D शेप में है ये, तो अभी 3D कैसे लगेगा आपको ये। चलें भाई, अब ये तो ये हो गया काम, कारनामा हमने यहाँ अंजाम दे दिया, और ये उठा के यहाँ रख लेते हैं हम अपने डब्बे। चलो भाई, अब दूसरी वाली बिल्डिंग है इसके बराबर वाली, वो कैसे बनेगी? नहीं मतलब वो बनेगी नहीं, बस इसकी कॉपी करेंगे, यही समझाना चाह रहा था मैं। ठीक है, अब छोटा कैसे करना है पता है इसको? इस बिल्डिंग में क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसका, खिड़कियों वाला, ये डिलीट कर देना है, और इसको उठा के बस यहाँ से छोटा कर दो, ये बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग हो गई। चलो ये छोटी बिल्डिंग होगी, छोटी बिल्डिंग का क्या करेंगे, कलर थोड़ा अलग रख देते हैं। यार इस कलर की बिल्डिंग होती तो नहीं है वैसे, इस कलर की होती है क्या बिल्डिंग? इस कलर की बिल्डिंग होती है? इस कलर की होती है बिल्डिंग? पाकिस्तान तो मैं घूमा ही नहीं हूँ, शहदादपुर में बिल्डिंग है नहीं है? पाकिस्तान तो मैं घूमा नहीं हूँ, और शहदादपुर में बिल्डिंग मैंने देखी नहीं है। ईंटों वाला पेट्रोल लगा दो इसके ऊपर, कल जो बनाया था ईंटों वाला पैटर्न लगा दो उस पे। वो कल नहीं बनाया था अपन ने, ईंट वाला एक पैटर्न बना के लगा देते हैं इसके ऊपर, ये वाला, ये जो ईंट बना लेते हैं इसके ऊपर। और इसमें ईंट कैसी होती है भाई? पीली पीली सी, वो कत्थाई सी, थोड़ा सा ऐसा कलर होता है, तो कलर भी हमें नहीं मिलते उसके। चलो इस पर लगाते हैं ये वाला कलर, थोड़ा सा ये लगाते हैं इसके ऊपर उसके साथ। क्या कर रहे हैं आप? गैस के बराबर मत, सही है। तो अभी क्या करते हैं इसको, हम यहाँ से विंडोज में जाएंगे, पैटर्न ऑप्शंस खोल लेते हैं, न्यू पैटर्न कर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं माई ब्रिक्स, क्या नाम रख दिया
तो यहाँ से ले जाके इसको हम एक ऑर्डर में लगाते हैं, ये वाला ऑर्डर सही रहेगा, सही है ना, स्पेसिंग भी सही है इसकी, ओके जा रही है। इसको करते हैं यहाँ से डन। कलर थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है, फिर पता चलेगा क्या बना है। तो यहाँ पे लगाते हैं इसको क्लिक करके। ये तो भाई वाकई बन गई GTA वाई सिटी वाली बिल्डिंग, वाकई घर बना है लग रहा है, GTA वाकई सही लग गए यार। किसका, बिल्डिंग का या ईंटों का? बिल्कुल ईंटों को डार्क कर दे, मैं लाल हो जाएंगी मेरी, ये सही है। थोड़ा ईंटों का कलर ओरिजिनल मिल जाता ना तो अपन ये अच्छी वाली ईंट लगा देते। इसको हम थोड़ा सा डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ईंट को। ये भट्टी में है ना, सूखने के बाद ऐसी हो जाती है ना वो सूखने के बाद ऐसी हो जाएगी, बाकी भट्टी में तो अच्छी लगती है वहां पे। हाँ इसको अभी इसको करते हैं ना अपन, यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे, फिर इसको पीछे भेजेंगे, ऐसे ब्राउन कलर करें इसको। कंट्रोल बैक ब्रैकेट वाला बटन दबाएंगे, ये कुछ अच्छी लग रही है बिल्डिंग। हाँ चलो अच्छा काम हो गया, ईंटें वीटें भी लग गई, काम अच्छा जा रहा है। ठीक है तो बगैर मजदूरी, मजदूरी तो कर रहा हूँ ना मैं बैठा हुआ यार। ठीक है अच्छा भाई, अब इस वाली बिल्डिंग में क्या होगा कि दरवाजा नहीं होगा, इसके अंदर लगा हुआ है गिलास, दरवाजा नहीं है। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ, ग्रुप कर देते हैं इसको, इसको ऐसे रहने दें, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं, पेस्ट इन प्लेस। और नहीं अभी प्लेस नहीं करते, अभी इसको थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि ये शोरूम है। क्या है ये? शोरूम है तो शोरूम पे आके लगा होता है, स्टोर रूम नहीं है भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग स्टोर रूम नहीं होगी, शोरूम है, इसमें गिलास लगेगा। ओके अब शोरूम में लगाना है ग्लास, ग्लास कैसे लगाएं, रबड़ वाला? ये कौन सा ग्लास आ रहा है, रबड़ का ग्लास, सुनहरी हूं तो सुनहरी फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म चल रही है क्या, गाड़ियों ऊपर से आगे गिर रही है। ये सही है, ओके दो बिल्डिंगें कंप्लीट कर ली। नाजरीन आप देखें, चाइना बोला था हमने 2 महीने में बिल्डिंग बनाई है, हमने तो अभी 10 मिनट में बना ली बिल्डिंग है, बहुत ज्यादा आगे चले गए हम, रोकने वाला नहीं है हमें कोई। तो अब देखना है कि करना क्या है, बिल्डिंगों को फिटिंग कैसे की जाएगी ले जाके, जितनी बड़ी बिल्डिंग फिटिंग भी तो करनी है। नहीं तो एक तो हमने बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई यार, ऐसी बिल्डिंग मैंने किसी गेम में देखी, याद करो एक गेम था उसमें ऐसी, तुम्हारी मारियो गेम था मेरा ख्याल, उसमें ऐसे बनाया हुआ था पीछे बैकग्राउंड। तो यहाँ से लेंगे अभी हम अपना आर्ट बोर्ड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पबजी में ऐसी बिल्डिंग है क्या? तो यहाँ से क्लिक करके ये लीजिए पर्सपेक्टिव ग्रिड ले लिया हमने, फिर इधर आ जा, किधर आ गया तो नहीं, मान नहीं रहा है, है? तो जभी तो मसला बनेगा वरना मसला ही नहीं बनेगा। ठीक है अभी क्या करना है, ये वाली अब उठाएंगे कैसे, सवाल है ये, उठाने के लिए ग्रुप करके नहीं उठेगा, ये वाला एक टूल है इसके अंदर पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ये इसके नीचे इसको लेंगे ऐसे सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर, और अभी किधर फिट करना है, इधर
उठाते हैं, ऑल्टर के साथ जूम करेंगे, एक स्टेप पीछे रख रहा हूँ उसे, देख रहे हैं। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा हमारी बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऐसे हो गई, हाँ वो व्यू टेढ़ा हो गया, बिल्डिंग तो सीधी, तो उसके व्यू को थोड़ा सही कर लेंगे, अंदर बहुत चला गया नहीं, पर्सपेक्टिव टूल लेंगे दोबारा से। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ इसलिए कि इसको हमें थोड़ा और खींचना पड़ेगा, और इसको इधर भी खींचना पड़ेगा। ऐसे करके ठीक है, अब लेंगे यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, फिर पकड़ेंगे, फिर पकड़ के लेकर आएंगे, अब सही है। ठीक है ना, अभी इस तरह से अभी हम ये लाके इसको लगा देंगे। दूसरी वाली है कि कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे, और ऐसे तीनों चारों बिल्डिंग पहले बना के रखनी है जो जो आपने इस पर डालनी है। ठीक है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट जब हो जाएगी तो इसको पकड़ के लेकर आएंगे, फिर जूम करेंगे। अच्छा देखो, अब अगर इस बिल्डिंग को इसी लाइन में पीछे की तरफ दिखाना है तो ऐसे करके पीछे लेके जाना है, और आगे दिखाना है तो ये और ज़्यादा जूम कर लो इसको, तो इसको ये जो टूल है हमारा इसकी मदद से थोड़ा सा आगे लेकर आना है इस तरह से। ठीक है, और फिर जितना डिस्टेंस रखना है वो यहाँ पे इन्हीं ग्रिड्स पे रख के रख ठीक है। ये दूसरी बिल्डिंग भी आ गई आपकी, सही है। अभी क्या करेंगे, क्या एक गलती कर दी हमने, पता है आपको क्या, उनकी कॉपीज वहां नहीं रखी। कॉपीज नहीं रखेंगे तो दोबारा बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, कॉपीज होगी तो दूसरी बिल्डिंग ऐसी बना बना के रख देंगे हम। हाँ ये बात आप ध्यान में रखना कि कॉपीज रखनी है उनकी वहां पर। ठीक है, अब क्या करेंगे इनका अरेंजमेंट बनाने के लिए, इसको क्लिक करेंगे पहले इस बिल्डिंग पे, ये टूल लेंगे अपना, यहाँ से लेंगे वो वाला टूल, किसका नाम है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लेके इसको यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट देखो ये, इस सेंटर पॉइंट पे रख के ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे, कॉपी निकाल देंगे इसकी, सही है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे और उसके सेंटर पॉइंट से फिर निकाल देंगे इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे इसमें, उसमें उसमें दरवाजे नहीं है तो दरवाजा लगा देंगे, इसमें दरवाजा है तो दरवाजा। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो शो करना है कि ये थोड़ा आगे है, सही, अब मिलाते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, बीच में से गली रखूंगा क्या इसके? इधर ही आगे लोग खड़े हुआ करेंगे, बैठेंगे, बोला हवा आचे भाई। तो वो अभी अहमदीन कोट में जो मसला हुआ था ना, पुल टूट गया, ट्रक गिर गया उसके ऊपर, वो क्या कर रहे थे, गर्मी थी, नहा के बैठे हुए थे पुल के ऊपर, पुल ऊपर ट्रक उनके ऊपर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हवा के चक्कर में बंदे ही चले गए। तो यहां से उठा के इसको यहाँ पे रखेंगे, हाँ आदत हो गई, असल में फ्री में हर चीज चाहिए। हाँ अब सारे खाएंगे चावल। अच्छा अब इसको अब यहाँ पे ये वाला कलर लगा दें, या फिर ये वाला कलर लगा दें, इसको थोड़ा लाइट लगा दें इससे, ठीक है, सही लग रहा है। और यहाँ से इसका ऊपर वाला पोर्शन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, तो ये पकड़ के आप यहाँ से खुद भी सही कर सकते हैं। बोलो तो डिजाइन डाल दूं, डिजाइन आ जाएगा इसमें।
सही है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर भी इस तरह का कुछ थोड़ा सा चिरान करेंगे हम, ये वाला साइड लगाएंगे यहाँ पे। ये लीजिए थोड़ा सा इस तरह का मामला कर दिया हमने। चलें जी, ये यहाँ के भी मामला हुआ सेट, और अब बीच वाला हिस्सा रहेगा इसका। ग्रिड को ऑफ करेंगे, ये क्या टंडो आदम की चौकी है कि लगड़ा लगेगा बीच में, इधर रख के बड़ा टावर बन गया था बीच का जी। हॉस्पिटल नहीं बने, थाना बने यहाँ पे है। गंज थी वहां। अच्छा इधर है ये। अच्छा इसको थोड़ा ऐसे ही रखेंगे और उसको टू बैक कर देंगे, सेंड टू बैक। हाँ सेंड टू बैक कर दिया। और भैया जब इसका ऐसे ही हो रहा है तो इसको पकड़ के इसके लागे मिला देता हूँ मैं इससे। ठीक है, ये लीजिए नाजरीन, ये तैयार हो गया आपका मसाला। सही है, इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये चल जाएगा। अच्छा अब इसमें एक चीज नोट करना, ये जो मैं जब उसको वहां से उठा के लाया, ये जो चीज ऐसे बड़ी हो गई, इसको क्या करना था, जब ये हमने उस पर अप्लाई कर दिया था तो उसको हमने करना था एक्सपेंड। क्या करना था? एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करके जब हम उसको लेकर आते हैं तो जिस कंडीशन में वो डिजाइन था सेम आता, और चेंज थोड़ा बहुत नहीं होता। ये इसलिए भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ये ईंटों वाला जो पैटर्न है कि इसके ऊपर हमने एक्सपेंड नहीं किया, और जब वो इधर आया तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में टेढ़ा हुआ, तो वो फिर पैटर्न भी थोड़ा सा उसके ऊपर टेढ़ा हो गया। अब इसको तो करेक्ट करने के लिए फिर हमें यहाँ जाके इसको टेढ़ा करना पड़ेगा, फिर जाके ये थोड़ा सा मामला बनेगा। ऐसे ही अच्छी लग रही है, ऐसे कर देता। ये देखिए आप कैसा लग रहा है, चलो कुछ भी लग रहा है, लेकिन ये कि वो बात याद रखना कि इसको हमें क्या करना है कि पहले एक्सपेंड करके फिर लेकर आना, और फिर इनकी एक एक कॉपीज वहां रखनी है ताकि आप उसको बाद में चेंज वगैरह कर सकें किसी चीज को। आप यहाँ से अनग्रुप करके इसको, ये ले लीजिए। अभी गली रोड तो बनना बाकी है इसका, ये तो बनाना है तुम्हें। कौन सी? ये वाली दरी, ये बताया तो था मैंने, इसको ऐसे करके ये करके ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इस वाले गोल पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ दूसरे पे क्लिक करेंगे और खींच के नीचे कर देंगे तो गोल हो जाएगा।